नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाने का एक हेल्पफुल वीडियो। दोस्तों मैंने एक अपना पिछला वीडियो बनाया है सिर्फ एक बीज की मदद से किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाएं सिर्फ 10 दिन में। आज उसी को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कई मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिसको उनमें बहुत कन्फ्यूज़न है, वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उन्होंने मुझसे किए हैं, तो सबको जवाब देना तो पॉसिबल होता नहीं है, तो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दिया जाए। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि किस बीज की मदद से शराब छुड़ाई जा सकती है तो आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहा है। चलिए तो अब बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो इस्तेमाल किया है, जो ट्रिक इस्तेमाल की है, इसमें हम कोई नुस्खा नहीं बोलेंगे क्योंकि नुस्खा वो होता है जो उसमें रेमेडी काम करती है, पर इसमें जो मैंने चीज का इस्तेमाल किया है, जिस बीज का इस्तेमाल किया है, वो कोई पर्टिकुलर उस नशे को छुड़वाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक डर का काम करता है जिसका नाम है जमाल गोटा। जी हाँ, कई लोगों को सबसे पहले तो आश्चर्य होता है कि जमाल गोटे से किस तरह से नशा छूटता है या फिर शराब की लत छूटती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें पढ़ाते कौन है, शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके हाथ में जो डंडा होता है वो हमें डराने का काम करता है, पढ़ाने का काम शिक्षक करता है। तो वो जो डंडा होता है ना, वो हमारे अंदर एक डर का काम करता है जिसके डर से हम काम करते हैं या फिर मस्ती नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो जमाल गोटा है वो है डंडा और आप जो हैं वो रहेंगे उसके टीचर। मतलब जमाल गोटा सिर्फ डर पैदा करने का काम करेगा, बाकी जो भी करना है, जो भी प्रोसेस करनी है उस व्यक्ति की शराब छुड़ाने के लिए, ये आपको करना है। अब कैसे करना है ये फिर से मैं बताती हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति शराब पीता है, आपको पहले तो उसे पता नहीं चलने देना है कि आप उसको जमाल गोटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको उसको बिना बताए देना है, किस तरह से देना है, जब भी वो शराब पी के आता है आपको उसके खाने में या फिर उसकी सब्जी में एक जमाल गोटे का बीज बारीक चूरा करके डाल देना है, बिल्कुल बारीक करके पाउडर जैसा बना लीजिए और उसकी सब्जी में डाल दीजिए जब वो खाना खाता है। अब वो जैसे ही खाना खा लेगा आधे घंटे के अंदर उसे लूज मोशन लगेंगे, ठीक है। आपको पहली बार में बिल्कुल भी उसे नहीं जताना है कि आपने उसे कुछ दिया है या फिर कुछ भी नहीं जताना है, कुछ नहीं कहना है। जब वो व्यक्ति आगे हो के आपसे कहे कि यार मुझे बहुत भयंकर दस्त लग रहे हैं, तब उसे कहना कि हो सकता है लग रहे होंगे, पहली बार में उसे कुछ भी नहीं कहना है। दूसरी बार जब वो पी के आता है, ठीक है, जब भी वो पिए, ठीक है, पहली बार जब आप उसे जमाल गोटा देंगे ना, उसमें 3 दिन तक उस व्यक्ति की हालत ऐसी रहेगी कि शायद ही वो घर के बाहर निकले और शायद ही वो शराब पिए। मतलब एक बीज का असर 3 दिन तक रहेगा, इसका मतलब है आपको ये उसे डेली नहीं देना है, ठीक है। एक बार दिया, 3 दिन तक उसे नहीं देना है, ठीक है। वो व्यक्ति जब अगली बार पीता है, जब भी वो अगली बार पिए, अगर उसको आपने आज दिया है उसने, उसका असर 3 दिन तक रहेगा, उसने अगर कल फिर से पी ली है तो आप उसे मत दें क्योंकि 3 दिन उसका असर रहेगा। फिर जब वो पिए, जब उसका असर कम होने लगे और वो फिर से पी रहे हैं, तब उसे फिर से दें, फिर उसे दस्त लगेंगे तो आप फिर कहिए कि यार ऐसा तो नहीं कि तुम शराब पी रहे हो इसकी वजह से तुम्हें दस्त लग रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ये हमें बीज उगा देना है, ठीक है, ये बात डाल देनी है। वो व्यक्ति हो सकता है मना कर दे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, इसकी वजह से नहीं है, ये वो इतने सालों से पी रहा हूँ, इतने लोग पी रहे हैं उनके तो नहीं हो रहा है, मेरे थोड़ी ना ऐसा होता है, ये वो बात डाल देगा, आप भी नॉर्मल में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर जब वो पिए या फिर इस चीज़ का जमाल गोटे का असर कम हो जाए, फिर उन्हें आप दे दीजिए, ठीक है। और फिर से कहिए कि यार देखो आज फिर तुमने शराब पी, फिर से तुमको दस्त लग गई, या फिर तुमने फिर से जो भी नशा किया इसकी वजह से फिर से दस्त लग गई, एक बार छोड़ के देखो, हो सकता है तुम्हें आराम मिले। वो व्यक्ति हो सकता है तुम्हें डांट दे या फिर आपको आप पे चिल्ला दे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरे शराब पीने से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर उसे नॉर्मली कह दो कि वह तुम्हारी मर्जी, लगाते रहो दस्त, हमको क्या करना है। इस बीच में अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो जाने दे, बेफिक्री से जाने दे, पर बिल्कुल उन्हें जज मत होने दें कि आप उसे कुछ दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी आपको जज नहीं होने देना है। साथ ही में आप उनको अगर वो कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो वो भी लेने दें, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जब जब वो पी के आते हैं तब तब आपको देते रहना है और उनके कान में बार बार मतलब उनको बार बार आपको ये बताते रहना है कि तुम पी रहे हो ना, इसकी वजह से दस्त लग रही है।
दस्त लग लग के उनकी ये हालत हो जाएगी कि वो खुद डरने लगेंगे शराब से और वो खुद शराब का नाम लेना भी बंद कर देंगे। ठीक है, उनके दिमाग में जब ये बात बैठ जाएगी कि हाँ उनको शराब पीने से ही दस्त लग रही है या नशा करने से ही दस्त लग रही है, तो वो खुद ही नशा करना बंद कर देंगे। इस तरह से आप इस चीज़ को कीजिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब मेरे पास में कुछ व्यूअर्स का प्रश्न आता है कि ये मिलता कहाँ है। किसी भी बड़ी किराना की दुकान पे, पंसारी की दुकान पर, या फिर जहाँ पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वगैरह मिलती है वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आप इसे अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसकी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी नशा छुड़वाने के लिए, जमाल गोटे की पूरी डिटेल। और भी अगर आपको कोई प्रश्न हो, अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरी जो एक मुहिम चली है नशा मुक्ति की, ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। क्या आप भी एक बेहतर वेबसाइट एंड लोगो डिजाइनर ढूंढ रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ई मीडिया वेब एंड ऐप, हम बनाते हैं आपकी ब्रांड के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन, क्रिएटिव लोगो और स्टैंडर्ड डिजाइन वेबसाइट, न्यूनतम शुल्क और बेहतर सर्विस। तो किस बात का है इंतजार, आज ही संपर्क करें इन नंबर्स पर। कॉल करें 8109632936 पर या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7999906109 पर।